हेलो एंड वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए पूरा प्रिपरेशन बैच चल रहा है। आप लोग सभी वीडियोस देख रहे होंगे। डेली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर्स, रोजाना करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उनको आप जरूर से जरूर देखते रहिएगा, रोज़ देखते रहिएगा। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चाहे आप लोअर पीसीएस मेंस, एफआरओ मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे 3 जून को जो होने वाला यूपीएससी है और 12 जून को होने वाला जो यूपी पीसीएस है, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। तो उनको जरूर देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स को। गाइज, लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इसमें पूरी तैयारी करवाई जा रही है, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है एफआरओ मेंस के लिए भी और लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी। जो लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस चैनल पे उसका जो शेड्यूल है, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है, उसको शेयर कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करने वाले हैं और एफआरओ मेंस की तैयारी करने वाले हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद अपनी परफॉर्मेंस देखें कि जो वो तैयारी कर रहे हैं कि वो तैयारी कैसी कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। गाइस, बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अगर आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, आप देखिए 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में हम मांगे चलते हैं 10 से 12 मिनट हमारे जितने भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स फिल करने होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट लगानी है, रोल नंबर फिल करना है, उन सब चीज़ों में खत्म हो जाते हैं। यानी हमारे पास अराउंड 160 to 165 मिनट्स होते हैं आउट ऑफ 180 मिनट्स। अब उसमें लोअर पीसीएस मेंस वालों को 20 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं और एफआरओ मेंस वालों को 10 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। लेकिन जो 10 क्वेश्चन है एफआरओ मेंस वालों को, उनको हर क्वेश्चन 250 वर्ड्स का लिखना है। तो यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि लोअर पीसीएस मेंस वालों के पास हर क्वेश्चन के लिए करीब 8 मिनट मिलते हैं और जो एफआरओ मेंस हैं उनके लिए करीब करीब 14 से 15 मिनट आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। तो आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखने के बाद विद इन 14 to 15 मिनट्स आप एफआरओ मेंस में आप आंसर लिख पाएं 250 वर्ड्स में, 250 शब्दों में, और लोअर पीसीएस मेंस में आप 100 शब्दों में उसका आंसर लिख पाएं। तो इसी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करवाने के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एफआरओ के लिए और लोअर के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करेंगे उसको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, दोनों लैंग्वेजेस में है, और साथ साथ उसमें आपको हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर भी मिलेगा। यानी कि आप ये भी देख पाएंगे कि आप इसमें जो भी आपने आंसर लिखा है उसके जगह आप और क्या लिख सकते थे और क्या अच्छा कर सकते थे। तो मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहना चाहूँगा गाइस, सभी लोगों को जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए, एफआरओ के लिए। साथ साथ डेली करंट अफेयर्स जरूर देखते रहिएगा, चाहे वो 3 जून वाले हों या 12 जून वाले एग्जाम वाले हों, या जो भी आप चाहे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो चाहे एफआरओ की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। जो यूके SSSC वाले हैं उनके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है करंट अफेयर्स, क्योंकि उनके पेपर्स में भी आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।